आज हमने इनकी गवाही सुनी। इस बहन का नाम हरजिंदर कौर है और जे शीनिया गांव के रहने वाले हैं और जे बहन की गवाही जे बता रहे कि जे 7 साल से प्रभु पर विश्वास करते थे और इनकी प्रॉब्लम जे थी जे बता रहे कि 10 साल से इनके जोड़ में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन रहती थी जिसके कारण इनको बहुत ज़्यादा जलन रहती थी और जे बहुत ही परेशान थे इस प्रॉब्लम से और जे बता रहे कि 7 साल से जे प्रभु पर विश्वास कर रहे थे, चर्च भी जा रहे थे, पर जे बता रहे कि इनको समझ नहीं आती थी जो वचन को जो सुनते थे और जो बता रहे कि उनका विश्वास नहीं बनता था। इन्होंने प्रेयर भी करवाई पर फिर भी जो बता रहे कि इनकी प्रॉब्लम जो थी 10 साल से ऐसी बनी थी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और जिसके कारण जो बहन बहुत ही परेशान थी और जो बता रहे कि जैसे इनको प्रभु की गुड न्यूज़ मिली और जब से फर्स्ट टाइम यहोशुआ रंजीत रॉबिन मिनिस्ट्री में आए और जैसे इनको प्रभु की सच्चाई, प्रभु पर कैसे विश्वास करना है और भी इन्हें सिखाया गया, इन्हें बताया गया और जिस बहन ने लगातार मीटिंग को अटेंड किया और फिर इन्होंने पर्सनल मीटिंग भी अटेंड की और भी प्रभु के दास इनको टीच किया, सिखाया और जो बता रही कि जैसे जो लगातार मीटिंग में आ रहे थे और जो बता रही कि इनके लिए इस प्रॉब्लम के लिए इन्होंने ले एंड प्रार्थना नहीं कराई, सिर्फ इन्होंने वचन को ही समझा, सीखा और जैसे इस मिनिस्ट्री की पॉजिटिव प्रार्थनाएं उस अनुसार जो प्रार्थना में बने रहे और आज ये बता रहे कि जब भी प्रभु के दास दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना करते थे तो ये बता रहे कि जब भी प्रभु के दास के मुख से वर्ड्स आता था कि जिनको किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है, जो इन्फेक्शन है, कि गुप्त रोग है, तो ये बता रहे कि उसी समय जो इस वर्ड को रिसीव ही करते थे और इन्होंने धन्यवाद ही दिया जो इन्होंने पॉजिटिव प्रार्थना के बारे में इन्होंने सुना और सीखा था और ये बता रहे कि जो धन्यवाद में बने रहे और जो इनकी 10 साल की प्रॉब्लम थी आज ये बता रहे कि 2 हफ्ते हो गए हैं, प्लस टाइम ही हो गया है 2 हफ्ते से और जो बता रहे कि पूरी तरह से परमेश्वर ने इनको फ्री कर दिया है। जो बता रहे कि जो इनको 7 साल हो गए थे, इनको वचन की समझ नहीं आती थी कैसे विश्वास करना है, कैसे प्रार्थना करनी है, आज जो बता रहे कि अभी इनको इस मिनिस्ट्री में आते 1 महीने से प्लस टाइम ही हुआ है, इनको समझ आ गई कि कैसे परमेश्वर पर विश्वास करना है, कैसे प्रार्थना करनी है और जो इनका मन नहीं लगता था पहले प्रार्थना में, आज बहन प्रार्थना भी करती है और जो बता रही कि सच में आज परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदल दिया है और जो इनकी प्रॉब्लम थी उससे भी इनको परमेश्वर ने आज फ्री कर दिया है। हम सब इस गवाही के लिए दिल से तारीफ करेंगे कलीसिया। जो कम की तो भी नहीं हुंदा ओ यीशु नाम च हो जावे, जो कम की तो भी नहीं हुंदा ओ यीशु नाम च हो जावे, जो कम की तो भी नहीं हुंदा ओ यीशु नाम च हो जावे। ये 7 साल से विश्वास कर रही थी, यूट्रस में क्या थी यूट्रस में 7 साल से विश्वास कर रहे थे और 7 साल से इनके जूटर्स में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम थी और उससे परेशान थे, प्रॉब्लम में थे, पर जैसे ही आया हमने सही नियम समझाया, सही प्रार्थना करो, परमेश्वर ने आजाद कर दिया है, अब तुम क्यों शरीर पर मन लगा रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, तो उस पर उस चीज को छोड़ो, तो ध्यान दिया अब मैंने क्या प्रार्थना करनी है। धन्यवाद परमेश्वर, आपने मुझे छुड़ा लिया, आपने मुझे चंगा कर दिया, क्या कर दिया है, आपने मेरे ऊपर उपकार कर दिया है, तो ये प्रार्थना करनी है और किसके साथ जीना है, किसके वचन को पूरा करके देखो, क्या देखो, मैं प्रोफेसी कर चुका हूं, मैं भविष्यवाणी आपके लिए कर चुका हूं और इस वचन से मैं विश्वास करता हूं कि वो आपके जीवनों पर पूरी हो चुकी है। मैंने कहा वो पूरी हो चुकी है, जितने ऑनलाइन इस मीटिंग को देख रहे हैं, जहां आज बाद में देखें, उन सब पर भी परमेश्वर आज इस वचन से वो अपना अनुग्रह आपके ऊपर प्रकट कर चुका है। आमीन।